कितने मेडल आने चाहिए? 1000 लाना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 500 पकड़ो, 500 पकड़ो भाई, 1000 एक 500 भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हां भाई, ऐसे तो 100+ आना चाहिए। 100+ आना चाहिए, इससे कम क्या? तो जलवा बना दे यार। तो तब तो चाइना को पता चले, अमेरिका को पता चले कि भाई इंडिया भी कोई चीज है। बात तो सही है। हमेशा बोलते हैं कि गोल्ड मेडल कम आए, चाइना ज्यादा ले रहा है। ऑल इंडिया तो क्रिकेट के पीछे पड़ी है ना, बाकी को वैल्यू नहीं दे रही है। हाय गाइस, वेलकम टू गेम ऑन। देखो यार, आईपीएल हो गया, यूएफए हो गया, अपना टी20 वर्ल्ड कप हो गया, इन सब के बीच ना हम कहीं भूल जाते हैं कि यार ओलंपिक्स भी तो आने वाला है। अब देखो, ओलंपिक्स भी 4 साल में एक बार आता है। कुछ लोग को तो ये भी नहीं पता होता है यार कि कौन से एथलीट्स जा रहे हैं हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने ओलंपिक्स में। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैं पब्लिक से करने आ गया हूँ मरीन ड्राइव में। देखते हैं कितना पता है ओलंपिक्स के बारे में, क्या माहौल है, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। बाकी की बात करूंगा मैं आपसे वीडियो के एंड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कुछ बात करनी है ओलंपिक्स और इन सब के बारे में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मुझे ये बताइए कि इस साल ओलंपिक्स होने वाला है, आपको पता है कहाँ होने वाला है? नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं ओलंपिक का। आई थिंक नो आइडिया ब्रो। नो आइडिया? एक्चुअली मुझे ओलंपिक का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट इतना मालूम है कि क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ विराट कोहली। बट वो नेक्स्ट ईयर के एडिशन से होगा। नेक्स्ट ईयर एडिशन है? हां हां। ओके, नहीं ओलंपिक्स तो पता नहीं कहां आने वाला है। मैं बता देता हूँ, पेरिस में होने वाला है 2024 एडिशन ओलंपिक्स। हाँ, ये बार पेरिस हो रहा है। पेरिस हो रहा है, बिल्कुल सही सर। कब हो रहा है कुछ आइडिया? दैट एग्जैक्टली आई डोंट। 28 में? I really don't have any idea. I think so it's June. नहीं, मैं बता दूं, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक्स होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन एथलीट के बारे में, तो आपके मन में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? Somebody that throw. Difficult है। बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। एक अभी जो भाला फेंक में जीते हैं उनका एथलीट का नाम नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ना। मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। मैं ये कह रहा हूँ कि करंट लॉट में आपको पता है कि कौन कौन जा रहा है? आई थिंक रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। अरे इंडियन ब्रदर, इंडियन इंडियन। 1 hour later. अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने प्लेयर्स हो गए, किशोर जना हो गया, निखत जरीन है, बैडमिंटन से लक्ष्य सेन जा रहा है, धीरज बोमन देवरा है, इंडियन मेंस हॉकी टीम हो गई, मेंस रिले टीम हो गई, तो ऐसे टोटल ना 60+ एथलीट्स गए हुए हैं। लेकिन तुम लोग भी जैसे नीरज चोपड़ा को एकदम से बोला ना, एकदम से पहचान लिया। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू है। बट भाई बाकी एथलीट भी तो उतनी मेहनत करते हैं जी भाई, है ना? बाकी लोगों को भी ये सारी बातें पता चले ना, सिर्फ हम उनको तब क्यों जाने जब वो लोग बड़े बन जाएं। करेक्ट। मतलब जब उनको सोशल मीडिया फॉलोइंग मिल गई, ये हम अभी से अगर सपोर्ट करेंगे तब ना जाके वो लोग बड़े बनेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ ओलंपिक्स के लिए हम उनको पॉपुलैरिटी दिखाएं, वो जो भी छोटे इवेंट्स करते हैं वहाँ पर भी बिन अचीव करते तो भी पॉपुलैरिटी दिखा सकते हैं। दीज आर द फेमस नेम, तो वो जो आते रहते हैं स्क्रीन पे, इंस्टा पे, जो 24/7 चलते रहते हैं, तो दैट्स हाउ, बिकॉज वी डोंट रियली फॉलो ओलंपिक्स सो मच, which we should. Yes, yes. हमको yes. जरूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम अभी तक वही क्रिकेट में लगे हुए हैं, तो उस वजह से सिर्फ क्रिकेट का आइडिया ज्यादा है। ऑल इंडिया तो क्रिकेट के पीछे पड़ी है ना, बाकी को वैल्यू नहीं दे रही है। बिल्कुल? अभी देखा जाए इंडिया की टीम, मतलब गेम देखे तो हॉकी, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इट्स ऑल अबाउट द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, इट्स नॉट रिसीविंग, द मेजॉरिटी ऑफ द एथलीट्स are not receiving support from both the people and the government. सबसे पहले जो मीडिया है किसी एक नाम को एनी टाइम रिप्ले करते रहता है, नीरज चोपड़ा इसलिए हम आ रहा क्योंकि वो बार बार आ रहा था। इसी तरह से आप लोग जितना जर्नलिस्ट हैं सब मिलकर सभी लोग को बारे में बताते रहो, तो फिर हम लोग भी थोड़ा अवेयर रहेंगे। नए नए जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस के पैसे या खाने के लिए या उसके लिए, तो मेरे हिसाब से उनको भी अगर थोड़ा ध्यान दें, बस खाली जो 4-5 फेमस नेम है उनके पीछे आप रेल लगा के, मंत्री जी आ गए, ये आ गए, स्टेट से कोई आ गया, घर मिल रहा है, सब मिल रहा है, उनको भी थोड़ा हेल्प करें, तो शायद हम आगे कर सकते हैं, ओलंपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। कितने मेडल आ सकते हैं एक जनरल? 21 के आसपास। 200-300 गोल्ड मेडल। 200-300 गोल्ड मेडल। 8-10 मेडल्स। अब भाई ऐसे तो 100+ आना चाहिए। 100+ आना चाहिए, इससे कम क्या? कुछ जलवा बना दे यार। तो तब तो चाइना को पता चले, अमेरिका को पता चले कि भाई इंडिया भी कोई चीज है। एक हजार आना चाहिए भाई, एकदम बोल्ड, पार ही चला गया। हाँ कितना?
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फैन डेट पकड़ो भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ओके, वी सपोर्ट यू टीम इंडिया, 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 वी सपोर्ट यू टीम इंडिया। तो गाइस, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा, अलग अलग टाइप के लोग मिले। किसी को पता था कि कौन से एथलीट से, किसी को बिल्कुल नहीं पता था, किसी को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ओलंपिक्स कहाँ हो रहा है, किस डेट में हो रहा है। बट मेरा एम यही था भाई कि मैं लोगों के पास जाऊँ, उनसे बात करूँ और कहीं से भी कुछ सपोर्ट मिले ना हमारे इंडियन एथलीट्स को, ओलंपिक्स को, तो अपना काम वहीं हो जाता है यार। तो जब तक आप ये सोचो कि जैसे नीरज चोपड़ा है, अब ये वीडियो कहीं से कहीं तक उनके खिलाफ नहीं था। हम चाहते हैं, हम उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि बाकी प्लेयर्स के पास भी जब तक ब्रांड्स पहुँचे, हम फैंस का सपोर्ट उन तक पहुँच जाना चाहिए। तो बस यही था इस वीडियो में यार। तो यार ऐसे ही अगर फन वीडियोस आपको देखने हैं तो गेम ऑन को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर तो देखो मैं हर बार ही कहता हूँ। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।